नमस्कार। जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में कैस्टर सीड से करते हैं। हमने देखा कि कैस्टर सीड ने एक हायर रेंज में ट्रेड करते हुए हमें प्राइसेस दिखी हैं। 6000 के ऊपर जब तक प्राइसेस टिकी हुई हैं तब तक ओवरऑल रुख जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले कुछ सेशंस में 6550 का जो एक लक्ष्य है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वो पेंडिंग है अभी भी, तो वो हासिल हो सकता है। क्लोजिंग हालांकि 6350 के करीब आई है, तो यहाँ से भी करीबन 3 से 3.5% की और तेज़ी हमें आने वाले हफ्ते से 10 दिन में दिखाई दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं सोयाबीन में भी हमने देखा कि 6350 के करीब की क्लोजिंग आई है, 6050 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं। यहाँ पर भी अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखें तो 6800 से 6900 के लक्ष्य जो हैं वो पेंडिंग है, तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने मिल सकती है। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हमने देखा कि हल्दी ने 11000 के ऊपर के जो लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए, 11100 के ऊपर के हाइस थे, वहाँ से मुनाफा वसूली का दौर भी देखने मिला और 10300 के करीब की क्लोजिंग आई। ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग के बाद यानी 10600 से 700 के बीच जाने के बाद दोबारा जो सेलिंग है या प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो ओवरऑल इस हफ्ते या आने वाले 2 हफ्तों में सेलोन रैलीज का एक रुझान रहेगा और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके 9700 से 9600 तक के लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में ऐसा लगता है कि 10100 की क्लोजिंग है, काफ़ी शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है, तो ये जो तेज़ी है ये जारी रहेगी और अपसाइड में 10400 से 10500 तक के स्तर भी हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। तो धनिया में तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अगर हम जीरे की भी बात करें तो 18300 की क्लोजिंग है, निचले स्तरों से बाइंग अट्रैक्ट होते हुए दिखी है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 18700 से 800 तक के स्तर यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोनों ही धनिया और जीरे में करीबन 2% की और तेज़ी करंट लेवल से देखने मिल सकती है। वहीं M6 कॉटन में हमने देखा कि लगभग एग्जैक्टली 37500 के लक्ष्य को छूने के बाद एक मुनाफा वसूली का सेशन देखने मिला। तो हम 34500 से जो डिस्कस कर रहे हैं कि 37500 का एक लक्ष्य देखने मिलेगा, वो डन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हमें फ्राइडे को देखने मिला है और ऐसा लगता है कि 36000 के करीब की जो क्लोजिंग है ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये और गहरा सकती है। तो अगर प्राइजेस 36500 से 600 के करीब मिले तो वहाँ से दोबारा सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो हासिल हो चुका है, उसके बाद एक करेक्शन भी दी है प्राइजेस ने, तो ये जो करेक्शन है ये जारी रहेगी और दोबारा हम आने वाले दिनों में 35400 के लेवल देख पाएंगे। तो फिलहाल एक बड़ा लक्ष्य हासिल होने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद होती है वो हमें M6 कॉटन में देखने मिल सकती है। वहीं बिनौला खल में भी हमने साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 3250 का एक स्तर इम्पॉर्टेंट था, जब तक वो होल्ड कर रहा था तब तक हम 3400 तक के स्तर को प्राइसेस को छूता हुआ देख रहे थे। फिलहाल 3250 के नीचे एक नेगेटिव जोन में आ चुका है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जैसा लग रहा है मुझे। मैं पोजिशनली अभी भी तेज़ी में हूँ, मुझे लगता है ओवरऑल 3550 का लक्ष्य जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो अभी भी हासिल होगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म ज़रूर 3250 के नीचे जब तक है तब तक हम 2950 से 3000 तक के लेवल तक प्राइसेस को गिरता हुआ देखेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा हमें तेज़ी देखने मिलेगी और 3550 का लंबी अवधि का जो लक्ष्य है वो अभी भी हासिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पर अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही जो लक्ष्य हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे वो हासिल हो गए हैं। 6550 के करीब ग्वार सीड ने हाइज लगाया, 6300 के करीब की क्लोजिंग आई है, ऐसा लगता है कि ये मुनाफा वसूली जारी रहेगी 6200 से 6150 तक। वहीं ग्वार गम में भी 12100 के जो लक्ष्य डिस्कस हुए थे वो एग्जैक्टली हासिल होने के बाद एक करेक्शन का दौर देखने मिला है, ऐसा लगता है ये करेक्शन जो है 10800 तक एक्सटेंड होगी। तो आने वाले हफ्ते में ज़्यादातर कमोडिटीज़ में, एग्री कमोडिटीज़ में एक मुनाफा वसूली का दौर रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो अभी भी मेरा मानना है कि कैस्टर सीड हुई या फिर साथ ही साथ अगर मैं बिनौला खल की बात करूं या फिर धनिया की बात करूं तो यहां पर तेज़ी की संभावना पोजिशनल बेसिस पे बनी हुई है। तो ये था इजाज़ा कि आने वाले कुछ दिनों में एग्री कमोडिटीज़ का जो रुख है वो कैसा रहने की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद।